नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और ये खबर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भूतपूर्व सैनिकों के जारी की गई है जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 22 अगस्त 2023 को मुख्यालय यूपी 112 उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबेरा योजना के अंतर्गत जिला सैनिक कल्याण बोर्ड की वरिष्ठ नागरिकों का पंजीकरण किए जाने के संबंध में है। यहाँ पे दोस्तों मेन जो बात है कि 60 साल से ऊपर जिसकी भी एज हो जाती है उन सभी को सबेरा योजना के अंतर्गत अपना नाम रजिस्ट्रेशन करना होता है 112 पर रिंग करके, या फिर उसकी जो यहाँ पर डिटेल्स बताई है उसके माध्यम से आपको अपना नाम रजिस्ट्रेशन करना है। आपको कोई भी परेशानी होने पर आपका पूरा डिटेल्स वहाँ पर रहेगा, पुलिस के पास रहेगा, जिससे आप यदि उनको कॉल करते हैं तो आपके एड्रेस पर वहाँ त्वरित कार्रवाई कर सकें, वहाँ पर आ सकें। तो पूरी जानकारी इसमें दी गई है, हम इसको एक बार पढ़ते हैं। ये जो स्कीम है सबेरा योजना के अंतर्गत है और यहाँ पे बताया गया है कि कृपया अवगत कराया जाता है कि सचिव उत्तर प्रदेश शासन गृह पुलिस अनुपायुक्त 15 की संख्या यहाँ पर दी गई है जिसकी आप डिटेल्स देख सकते हैं। 4 जुलाई 2023 द्वारा दिनांक 22/6/2023 को मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में सेफ सिटी परियोजना के संबंध में आयोजित बैठक में वरिष्ठ नागरिकों से मिलना एवं मदद करना के संबंध में सबेरा स्कीम के एसओपी यूपी 112 द्वारा तैयार कर वरिष्ठ नागरिकों का पंजीकरण एवं सूचना अद्यावधिक कराए जाने हेतु निर्देश जारी किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 60 साल या उससे अधिक उम्र की उत्तर प्रदेश के नागरिक पंजीकरण कराकर यूपी 112 की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण के पश्चात वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित रिकॉर्ड यूपी 112 के सिस्टम में सुरक्षित रहता है। सहायता हेतु कॉल करने पर वरिष्ठ नागरिकों को त्वरित सहायता प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जिला सैनिक कल्याण बोर्ड की वरिष्ठ नागरिकों का सबेरा योजना के अंतर्गत पंजीकरण करवाया जाना अपेक्षित है। सबेरा योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों का पंजीकरण निम्नानुसार किया जा सकता है जिसकी डिटेल्स यहाँ पे उन्होंने बताई है। सबसे पहले कि कोई वरिष्ठ नागरिक यूपी 112 में कॉल करके अपना नाम, मोबाइल नंबर, पता व अन्य विवरण के साथ जानकारी देकर पंजीकरण करा सकता है। यूपी 112 मुख्यालय की संवाद अधिकारी जो कम्युनिकेशन ऑफिसर हैं उनके द्वारा पंजीकरण किया जाएगा। दूसरा है कि वरिष्ठ नागरिकों द्वारा स्वयं यदि एंड्रॉयड आप फोन चलाते हैं, डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप का यूज़ करते हैं तो इसका यूआरएल यहाँ दिया गया है। यूआरएल 125.16.12.217 पर आप यदि स्क्रीन करेंगे तो इसके माध्यम से आप पंजीकरण करा सकते हैं। अतः आप जनपद के भूतपूर्व सैनिक जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है को सबेरा योजना के अंतर्गत स्वयं अपने पंजीकरण करने अथवा 112 पर कॉल करके पंजीकरण कराने हेतु निर्देश करने का कष्ट करें। ये जो लेटर लिखा गया है पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन मुख्यालय 112 लखनऊ की ओर से यहाँ जारी किया गया है और ये लेटर ऑफिसर इंचार्ज समस्त जिला सैनिक कल्याण बोर्ड को यहाँ लेटर लिखा गया है। तो उन्होंने ये मैसेज सभी को सर्कुलेट किया है कि आप भी इस योजना के अंतर्गत जिनकी भी 60 साल से उम्र ज़्यादा है, कोई आपको मदद की ज़रूरत होती है उससे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करा दें, अपना नाम वहाँ पे डिटेल्स फिलअप कर दें जिससे कि आपको कोई परेशानी होने पर आपका जो एड्रेस है उसके माध्यम से वहाँ आपकी हेल्प के लिए जल्दी से जल्दी आप तक पहुँच सकें।